जावा टेक, जावा के पिछले वीडियो में हमने देखा था ओप्स कॉन्सेप्ट क्या होता है और उसके करेक्टरिटीज, उसके करेक्टरिटीज के बारे में हमने अगली वीडियो में थोड़ा थोड़ा बता दिया था, और आज हम इसके बारे में डीपली जानेंगे कि ये होती क्या है। तो सबसे पहले आ जाता है क्लास। तो जावा में क्लास क्या होती है, आइए देखते हैं। क्लास, एज वी नोन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम डिफाइंड इन टू क्लास। तो जैसा कि हम जानते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास को डिफाइन किया जाता है एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के रूप में। क्लास इज ए रीयूजल सॉफ्टवेयर। क्लास जो होता है वह एक रीयूजल सॉफ्टवेयर होता है, मतलब इसको बार बार यूज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, क्लास इज ए ब्लूप्रिंट टेम्पलेट और अ ऑब्जेक्ट। तो क्लास एक टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट है जिसमें हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट विच सेम स्टेट एंड बिहेवियर। क्लास एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है जो डिफाइन करता है क्या, सेम स्टेट और बिहेवियर को। और पांचवा पॉइंट है, क्लास इज अ कंटेनर डैट कंटेन फॉलोइंग थिंग्स। क्लास के अंदर, क्लास एक कंटेनर होता है जिसके अंदर ये कुछ चीजें हैं जो कंटेन की होती है। जैसे हो गया पहला डाटा टाइप, दूसरा मेथड, तीसरा कंस्ट्रक्टर, चौथा ब्लॉक, पांचवा इनर क्लास। दीज आर मेंबर ऑफ क्लास। ये सब क्या है, क्लास के मेंबर हैं। तो आइए हम एक डायग्राम के थ्रू क्लास को देख लेते हैं कि क्लास में कौन कौन सी चीजें आती हैं और उनके बारे में कुछ जानेंगे भी, लेकिन ब्रीफली इनके बारे में हम जो है अगले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि हरे सारी चीज़ें अगर हम इसी वीडियो में जानेंगे तो वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो एक एक टॉपिक हम एक एक वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि क्लास के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो ये है एक डायग्राम क्लास का जो मैंने बना रखा है, शायद आप लोगों को इससे समझ में आ जाए कि क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो क्लास के अंदर होता है पहला डाटा टाइप, मेथड, कंस्ट्रक्टर, ब्लॉक और इनर क्लास। और डाटा टाइप्स के अंदर होती है टाइप्स ऑफ डाटा। टाइप्स ऑफ डाटा यानी डाटा के प्रकार। तो डाटा दो प्रकार के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। टाइप कास्टिंग, वाइडनिंग, नैरोइंग और वेरिएबल्स ऑफ जावा, ये तीन प्रकार की होती हैं, लोकल, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक। और हो गया चौथा रैपर क्लास। और पांचवा हो गया ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। छठवा मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स दो प्रकार के होते हैं, एक्सेस एंड नॉन एक्सेस मॉडिफायर। उसके बाद दूसरा क्या है, मेथड। मेथड के अंदर दोस्तों दो चीज़ें आती हैं, यानी मेथड जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या, पैरामीटराइज्ड, दूसरा नॉन पैरामीटराइज्ड। और तीसरा है कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड, नॉन पैरामीटराइज्ड। और चौथा है ब्लॉक। ब्लॉक स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, यानी ब्लॉक दो प्रकार का होता है, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। और पांचवा है इनर क्लास। इनर क्लास जो है वो चार प्रकार के होते हैं, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, लोकल, एनोनिमस। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि क्लास क्या होता है और क्लास के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे कि डाटा टाइप क्या होता है और टाइप्स ऑफ डाटा, यानी कि डाटा टाइप क्या होता है और उसके प्रकार, ये चीजें हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। क्योंकि एक ही वीडियो में यदि हम सारी चीज़ें कवर करने लगे तो वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिससे समझने में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डाटा टाइप जानेंगे, फिर टाइप्स कास्टिंग, फिर वेरिएबल्स ऑफ जावा, फिर रैपर क्लास, ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग, मॉडिफायर्स। ऐसे ऐसे करके एक एक टॉपिक हम एक एक वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।